अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिमरान इरफान लाइफ स्टाइल। एंड इधर मैं आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने आज ब्रेकफास्ट में भिंडी फ्राई एंड रोटी बनाने का डिसाइड किया है। सो मैं नाश्ते बनाने के लिए अभी चॉपिंग कर रही हूँ भिंडी और प्याज टमाटर वगैरह। और इधर मैं छोटे से मग में वार्म वाटर ले रही हूँ। आई डोंट लाइक टू ड्रिंक इट, मुझसे पिया ही नहीं जाता, बट फिर भी आई एम गोइंग ऑन अ हेल्दी डाइट नाउ। सो मैंने आज से स्टार्ट किया है, 3-4 डेज पहले भी स्टार्ट किया था बट नहीं हो पाया मुझसे। बीच में हम लोग कल परसों बर्गर और ऐसे ही स्नैक्स वगैरह खा लिया था मैंने, थोड़ा ऑयली एंड हैवी आउटसाइड का। सो आज से मैं ट्राई करूँगी कि मैं सिर्फ घर का प्रिफर करूँगी। हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके बाहर चले गए एंड अभी मुझे घर की सफाई करनी है और आया ना अभी तक सो रहा है। देखिए मुझे गीला टॉवल बेड के ऊपर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आयान के कपड़े कल मैंने उसे चेंज करवाया था बट उसने वॉशरूम में जाकर ऐसा बकेट में पूरा पानी अपने ऊपर डाल लिया। मैंने ये वाली रिंग बहुत दिल से ली थी बट अभी जब मैं इसको पहन रही हूँ सो आई एम फीलिंग सो। ये देखिए ये वाला फ़ैन एंड ये वाला फ़ैन दोनों चालू चाहिए इन लोगों को। आई विल कीप दिस रिंग हियर। पता नहीं मुझे वो रिंग क्यों इतनी हेवी लग रही है, अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। सो मैं उसको पहनूंगी अभी। ये वाली बैग मैंने कल परचेस की थी, इसकी चेन भी काफ़ी हैवी है और ये कुछ ऐसे दिखती है एंड इसको ऐसे करके ट्विस्ट करके अनलॉक करना पड़ेगा। और इसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं, इधर एक और इधर एक, और बीच में ज़िप है। ये मैंने कल जो बुक्स डीमार्ट से लिए थे मैंने ये सब इसी में रख लिए हैं। अनम के लिए लिया था मैंने एंड अनम ने अपने लिए ओह माय गॉड क्लिप्स लिए थे। और क्या है इस बैग में, ये बैग इतना सा है बट इसमें इतना सारा सामान आ गया। एंड घर की चाबी है, छोटी वाली बुक, ये मैंने अयान के लिए परचेज की है। आई डोंट नो इसका क्या करेगा, क्या करेगा, पेपर्स फाड़ के खा जाएगा। सो आई थिंक ये अनम के लिए ठीक रहेगी, ये अयान के लिए थोड़ी ना। देखिए या अनम के लिए ठीक रहेगी बिकॉज उसे ठीक ऑन द नंबर एंड सर्कल ऑन द लेटर्स, हाँ उसको ये सब आता है ना। सो ये अनम के लिए ठीक रहेगी। एंड मैंने अपने लिए क्यूट सी छोटी सी नोटबुक ली है, आई डोंट नो बट मुझे क्यूट दिखी है, ग्लिटर वाली, सो आई बाइड इट, कितनी प्यारी है। एंड इसमें इतने सारे पेजेस हैं, बहुत क्यूट है, आई लाइक इट। करना पड़ेगा, कल मैंने ये वाला अबाया पहना था सो इसको मैं वॉशिंग लॉन्ड्री बास्केट में डाल दूँगी। अभी भी सो रहा है, टाइम कितना हुआ, आई थिंक इट्स 10 o'clock, इट्स 9:55, आया ना अभी तक सो रहा है। एंड इधर कल मेरे साथ एक सीन हो गया, सो मैं वही बता रही थी यहाँ पर कि क्या हुआ था। पिलो के नीचे रख कर
ही वेंट आउट। सो मैंने पूरा बेड क्लीन किया और मैंने पैसे इधर इस बास्केट में रख दिए थे, सो आई डिडंट केप्ट इट इन अ कवर्ड। और मैं चली गई डी मार्ट एंड आई केम आफ्टर दैट। और मैंने कुछ लिया था उस बास्केट से रात में, या अनम के अब्बू को हेयर मसाज चाहिए था, सो मैंने नवरत्न तेल उस बास्केट से लिया। एंड सडनली रियलाइज दैट कि मैंने इसमें पैसे रखे थे, बट थे उसमें पैसे। आई रियलाइज दैट उसमें पैसे थे, अब पैसे नहीं है। मैं सो रही थी और नींद में मेरे ये सब ख्याल चल रहा था, सो मैं सडनली ऐसे जागी और टॉर्च ऑन किया और जल्दी से मैंने बास्केट में देखा तो अल्लाह का शुक्र है पैसे वही थे। सो मैंने तभी उठा कर कवर में रख दिए थे। सो ऐसे मामलों में, पैसे वैसे के मामले में आई विल बी मोर केयरफुल। ये वाली बैग इन्होंने पैक की थी, ही सेड मी दैट ये लोग बाहर जा रहे हैं काम के लिए, सो हमने इसको पैक किया बट अभी नहीं गए, डिले हो गया आई थिंक। सो इसको रूम में रख दूँगी, चयान उठ जाएगा तो मुझे कुछ करने नहीं देगा। सो बिना कोई आवाज़ करे हम लोग अपना काम कर लेंगे, बेड हम बाद में बनाएंगे। क्या अंदा देखिए कितनी आराम से सो रहा है। के ऊपर सब पाउडर डालकर पूरा, अयान तो बहुत परेशान करता है मुझे, इसके ऊपर देखिए पाउडर डालकर पूरा ब्लैक कलर को, देखिए यहाँ भी पाउडर। अगर मैं उसको पाउडर नहीं दूंगी तो चिल्लाएगा रोएगा। एसी का रिमोट पीछे से इसने इसका कैप तोड़ दिया, तो मैंने रबर बैंड डाल के रखा है। अयान उठ गए, कितने बजे उठे अयान? अयान 10:45 को उठ गए। शू? हाँ वाओ शू, अच्छे। अभी अयान को ब्रेकफास्ट कराऊंगी मैं, रोटी बना कर रखी है। अयान कहाँ रख रही है? सो नीचे रखो, कीप इट डाउन, उठाओ वहां से उठाओ। मैंने अभी प्लांट को पानी दे दिया है। क्या ये अयान देखिए क्या, कौन गिरस पानी गिरस? पूरा गीला कर दिया अयान ने। रोने के डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स देखिए अयान के। अभी अयान बहुत बोर हो चुका है, अगर अनम रहती तो ही इज़ टू प्ले विथ हर, बट अभी कितना मेरे साथ खेलेगा, कितना फ़ोन देखेगा, अभी बोर हो गया है। सो अभी अनम को आने में 30 मिनट्स लगेंगे, हाफ एन आवर। सो तब तक अयान को संभालूंगी आफ्टर शी कम्स। अयान बिजी हो जाएंगे दीदी के साथ, नहीं आ जाओ हम, आओ हम। उठो बैठो सीधा, ऐसा फोल्ड करो। अल्लाह यान को शर्म मारिए। उठो जी। यान क्लैपिंग का खेल रहे थे, मैंने जब कैमरा ऑन किया तो इसको शर्म आ गई। अभी ये मुंह छिपा रहा है। यान क्यों? देखिए देखिए नाटक कर रहा है। शर्म, आओ खेलेंगे 1 2 3, आओ जान 1 2 3 खेलेंगे, 1 2 3 हाई फाइव खेलेंगे। आओ ये भी लको, ये
वो भी नको आयान 3 पैंट रिजेक्ट कर चुका है। इसको अभी क्या पता होगा कि ये क्या पहन रहा है। ये पिनू अल्लाह वो पैंट भी नको, फिर तो क्या पहनना सो। ये पैंट, ये पैंट, ये पीना ना सो को, ये नई पैंट वो ये देखो पापा भी आ गए। अयानू ये पीनाऊ, अयान ये पीनाऊ, उठो खड़ो, ये पहनती उठो। अयान को फाइनली ये पैंट पसंद आई। भी अनम तो भिंडी और रोटी खाने वाली है नहीं, इसीलिए मैंने उसको रोटी और मेयोनीज थोड़ी सी लगा रही हूँ। एंड इसमें मैं एग रखूँगी, एग भी यही है रोटी के पीछे, एंड थोड़ी सी भिंडी ऐड कर दूँगी, एंड छोटा सा रोल बन जाएगा। सो ऐसे वो भिंडी भी खा लेगी एंड रोटी भी फिनिश हो जाएगी। इनको खिलाने के नए नए टेक्निक्स ढूंढनी चाहिए मुझे। अयानुबा रोटी का बुरा हाल कर रहा है। हाँ बोलो जान, बोलो मिना बच्चा। कितना सारा भर लिया है, अभी भिंडी ऐड करेंगे हम थोड़ी सी। यम यम यमी यम। सो कम ऑन, फिनिश इट फास्ट। और अभी मैं अनम को ड्रॉप करके आई, एंड इधर मैं जब तक अनम की अरबी का टाइम नहीं हो जाता तब तक उसके लिए मैं पोटैटो चिप्स बना रही हूँ। मैंने प्लान चेंज कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू मेक पोटैटो चिप्स, बट ब्रेड्स बहुत दिन से पड़े हुए हैं, मतलब 2-3 डेज से ब्रेड्स ऐसे ही हैं, ना तो अनम खा रही है ना तो मैं खा रही हूँ, और अयान तो बिल्कुल नहीं, वो तो ऐसे ही वेस्ट कर रहा है। सो आई थॉट कि मैं ब्रेड के पकोड़े बना दूँगी। सो लेट्स मेक ब्रेड के पकोड़े। इधर मैं आलू लेकर, 4 आलू ले रही हूँ मैं, इसका स्किन भी पील करके ऐड कर लूँगी और इसको गला लूँगी थोड़ा सा। इसकी पूरी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में रील डाली है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। बहुत टेस्टी बने थे ब्रेड के पकोड़े, एंड आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। जस्ट घर में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उन्हीं में बन जाएगी, एंड ब्रेड आपको बाहर से लानी पड़ेगी ऑफ कोर्स। अगर घर पे हो तो ऑलरेडी सारा सामान घर पे ही रहेगा, आराम से बन जाएगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो अभी जाकर नीचे वीडियो पर लाइक का बटन दबा दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, सो प्लीज़ डू इट राइट नाउ, इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। इधर चाय पक रही है एंड इधर मैंने पकोड़े बना के रेडी कर लिए। थोड़ा सा आलू का मसाला बच गया था तो मैंने आलू के भुंडे भी बना लिए। काफ़ी टेस्टी है ब्रेड पकोड़ा, इसमें मैंने चीज़ भी डाला है। का नाटक देखिए अभी। अयन 1 2 3 स्टार्ट। सो जा मेरे चंदा रात आ गई। अयन सो गए सो देखिए। एंड अभी हम इधर हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं बिकॉज अनम अरबी से वापस रोती हुई आई। आई डोंट नो उसने क्या खा लिया था, क्या हुआ, उसको स्टमक एक हो रहा है एंड शी इज़ क्राइंग सो मच। सो मैंने मम्मी और सुहाना हम तीनों ले गए उसे हॉस्पिटल। सो अभी हम जा रहे हैं एंड अभी जस्ट हम घर रीच हुए। ओ माई गॉड, अनम के सारे टैबलेट्स दिए। एंड ये वीडियो यहीं तक था,
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऊपर मेरा इंस्टा का आईडी मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ जाकर उसे भी फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।